अभी हम जा रहे हैं इज़न अब्बास के स्कूल। ऐसे बांध के लेटे हुए कसम चो कैसे मेरी बुड्ढो की तरह आवाज होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद द व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब फाइन होंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल फाइन नहीं है। मुझे रात को बड़ा डाढ़ा बुखार चढ़ गया था। मैंने आपको ब्लॉग कैंप पे बताया था कि मुझे तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, लेकिन रात को ऐसे ही हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे बुखार हो गया। अभी हम जा रहे हैं इज़न अब्बास के स्कूल, उसकी पहला टीचर मीटिंग है, और ये कह रहे सर डॉक्टर को दिखाएंगे। मैं कसो रहा ये अपलोजाइज, मैं तो नहीं डॉक्टर को दिखाऊंगा, डॉक्टर के ही देना मेरे पास मेडिसिन है अपनी, मैं वही ले लूँगा बिकॉज मैं भी डॉक्टर ही हूँ। सो गाइस, अभी हम पीटीएम से होके आ चुके हैं, और मेरी पीटीएम माशाल्लाह से बहुत अच्छी गई है। कंप्लेन कुरान वाले टीचर की आई है सिर्फ, बहुत मेहनत से तुम्हारे साथ उसको दुश्मनी थी, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये सिर्फ वो एक कुरान वाले टीचर ने बस कहा है, बाकी सारे टीचर मेरे साथ जी, मेरी पूरी क्लास साथ है। मेरी कल आधी रात को बुखार हो गया, सॉरी हम बुखार को नहीं लेते। हां मुझे भी बुखार। तो गाइस अभी अनिल भाई हमारे घर आया है, नाश्ता करेंगे फिर अनिल भाई अपने घर जाएंगे, क्योंकि आज अनिल भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 103 बुखार है। हमने अनिल भाई को थर्मामीटर से चेक किया, थर्मामीटर टूट गया था। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, सारे जांच वगैरह चल गए, फातिमा भी बीमार है उसके, देखो मैं अलहमदुल्ला ठीक, मोमिन भी सारा बुखार करके ठीक, कहना भी सबको बुखार है, बूजो को नैन को भी बुखार हो गया, तो सिर्फ अब मैं ठीक बचाऊँ। और कल फ्राइडे है, मुझे पता चल गया अनिल भाई क्यों बुखार है। कल मैं तो मेरा बात नहीं बैठ, अगर सही हो तो फिर आज मैं सुबह इतना मुश्किल ना उठ रहा, अल्लाह की कसम रात इतना रोया कसम चो दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया रात में, पिट पिट के बैठे। गुड ऑफी दो, बस मुझे दो, एक दो मुझे बस ना, एक और फ्रेंड दो मसले। ओहो तब तुम ना लो मोमिन, अपनी पांचवी टॉफी खा रहा है, मैं कोई ज़्यादा बुखार चढ़ गया, ऐसे बांध के लेटे हुए बाजी, मोमिन शापर में लगा थे और मोमिन सबको टॉफियां बांट रहा है। सबसे पहले उसके अंदर का हुआ है, उसने मुझे लगाया, मैंने इन सबको लगाया। तुम मुझे अब खांसी करते हो ना, आगे हाथ नहीं रखते, कहाँ जा रही है? मैं सिर्फ दो ट्यूशन में सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ के आ गई हूँ। क्यों दुआ बेटा बेटा ले, से सब्जी ले आओ, मैं नहीं वो कैसे कहती है जी पापा जानी, नहीं जी पापा जानी कैसे कहती है, दुआ दुआ बेटा जी पापा जानी। सही ना यार, मैं जो भी चीज लेके आता अपनी अपने बेटे मोहम्मद के हाथ में पकड़ा लेता है, वो दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। दुआ जी पापा जानी बुजो जी पापा जानी जाते से सब्जी ले आओ, मम्मा तैयारी है। तो गाइस अभी मैं अपने घर आ चुका हूँ, बहुत ही मुश्किलात के बाद तकरीबन 10:30 बज चुके हैं, मुझे वो आने नहीं दे रहे थे, मैं तो इधर हमारे घर सोच रहा था, मैंने कहा नहीं मैंने आज अपने घर ही जाना है, मुझे रात को नींद नहीं आती अपने घर के अलावा। तो गाइस हम सब बीमार थे, आज ब्लॉग नहीं इतना बन सका,
थोड़ा बहुत इज्जत को मैंने कहा जो बनाता रहे। आप देखते तो लेकिन जैसे आज हमारी हालत थी तो मौके की वजह से कहा हमारी तबीयत खराब हो रही है। अब हम मास्क पहना करेंगे 24/7। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आई कैसे मेरी बुड्ढू की तरह आवाज़ होगी।